मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा। पर श्री जगन्नाथ जी के महिमा को जानने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। त्रेता युग में जिस तरह महावीर बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध के समय प्रभु रामचंद्र अपने बाण से वाली को निधन करते हैं, ठीक वैसे ही द्वापर युग में वन में विश्राम करते समय एक शिकारी कृष्ण के चरणों को हिरण समझ बैठे और अपने बाणों से श्री कृष्ण के प्राण हर लिए। बहुत क्षमा प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण के शरीर को वही शिकारी दाह करते हैं। पूरा शरीर अग्नि से जल जाता है, पर आखिर में बचता है तो सिर्फ एक ब्रह्म पदार्थ। उसे लकड़ी के साथ बांध कर वे जल में प्रवाह कर देते हैं। फिर राजा इंद्र को विष्णु सपना घात से वही लकड़ी के तन से अपनी छवि बनाने का निर्देश देते हैं। पूरी समंदर के तट पे जब राजा देखते हैं तो उनको लकड़ी मिलता है, पर सबसे बड़ा प्रश्न आ जाता है कि विष्णु के इतने रूप में से किस रूप को बनाए, ये किसी शिल्पकार को ज्ञात नहीं होता। इस विषय से राजा जब चिंतित होते हैं तब उनके दरबार में आके पहुँचते हैं एक बूढ़े शिल्पकार। असल में देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा रूप बदल कर राजा के सामने आए हुए होते हैं। राजा को ये विश्वास देते हैं कि वह संपूर्ण मूर्ति बना तो लेंगे, पर एक शर्त के साथ कि वे एक अंधेरे घर के अंदर अकेले मूर्ति को बनाएंगे और 21 दिनों तक उन्हें कोई भी दस्तक नहीं देगा। बिना खान पान के साथ बूढ़े शिल्पकार कैसे जीवित रहेंगे, ये चिंता रानी को सताने लगी। शुरुआती कुछ दिनों तक हथौड़े और छैनी की आवाज आ रही थी, पर समय के साथ 13वें दिन तक आवाज आने पूरे के पूरे बंद हो चुके थे। व्याकुलता के साथ राजा को प्रार्थना कर रानी गुंडीचा ने जब दरवाजा खोला तो अंदर कोई शिल्पकार मौजूद नहीं थे, और अगर वहां उन्हें कुछ मिला तो वो था श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अधगड़े मूर्तियां। और तब से लेकर आज तक प्रभु के वही मूर्तियों को श्री मंदिर में पूजा जाता है। पर अगर इतिहास के पन्नों को एक बार पीछे पलट के देखा जाए तो ये कहानी खून से लिखी गई है। न जाने कितने लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई। 800 से लेकर सन 1881 तक पूरी मंदिर पे कुल 18 बार आक्रमण किया गया और लूटा गया। पहले हमले के दौरान राजा मूर्तियों को लेकर जमीन के अंदर दफना देते हैं। फिर 146 साल जमीन के अंदर रहने के बाद नवकलेवर के साथ प्रभु के मूर्तियों को पुनरुद्धार किया गया। फिर भी कई बार आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर को लूटा गया और तोड़ा गया। पूरी के राजा मंदिर को सुरक्षा देने के लिए शत्रुओं के सामने अपने आत्मसमर्पण किए। तब अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर को तोड़कर उसी जगह मस्जिद बनाया गया। इतने हमलों के बाद भी पुरी के स्थानीय लोग दुश्मनों के कष्ट सहे पर मंदिर को सुरक्षित रखे। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के जगन्नाथपुरी के नजारे कुछ अलग है। हम अभी श्री मंदिर के बिल्कुल सामने हैं और रथ यात्रा शुरू होने को अभी एक महीने बचे हैं, और इस ऐतिहासिक पल को जीने के लिए हर साल उड़ीसा के पुरी में 20 से 25 लाख लोग रथ यात्रा में एकत्रित होते हैं। इस कलयुग में जगन्नाथ जी साक्षात विष्णु के अवतार हैं, और उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ वो अपने इस प्यारे श्री मंदिर में विराजमान है। वैसे तो अपने जगन्नाथ पुरी में कुछ ऐसे मिस्ट्रियस राज छुपे बैठे हैं जिसे साइंस भी आज तक प्रूफ नहीं कर पाई है। जैसे कि मंदिर के ऊपर जो नीला चक्र लगा हुआ है उसको आप सिटी के कहीं से भी देखो वो बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है। साथ ही जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो ध्वजा उड़ता है वो विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। हम अगर कहीं पे खड़े होते हैं तो हमारा एक परछाई हमारे साथ रहता है, पर जगन्नाथ जी के मंदिर का परछाई किसी भी डायरेक्शन पे शो नहीं करता। महाप्रभु जगन्नाथ को चढ़ाने के लिए वैसे तो तरह तरह के मिष्ठान बनाए जाते हैं, पर उनमें से सबसे फेवरेट जो है वो है खज्जा। जगन्नाथ रूप धारण, श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से लेकर राजकार्य तक अगर कोई अपनी आंखों से साक्षात दर्शन किया है तो वो है बलराम की माता रोहिणी। देवकी संग 16108 पाठरानियां जब माता रोहिणी से कृष्ण की बाल्यावस्था कथा एक महल के अंदर सुन रहे होते हैं, द्वार पर सुभद्रा, कृष्ण और बलराम वही कथा को चुपके से सुनते सुनते उनके मन में अत्यंत खुशी, आनंद से भरपूर बड़ी बड़ी आंखें और भाव से पूर्ण मन, इन सभी भावों को एकत्र महसूस करते प्रभु अपने आपको चतुर्धा मूर्ति में परिवर्तन कर लेते हैं। फिर नारद मुनि की विनती को स्वीकार कर प्रभु कलयुग में प्रकट होते हैं। जगन्नाथ पुरी में इस समय कई तरह के रीति रिवाज एकत्र चल रहे होते हैं, क्योंकि अब से ठीक 15 दिनों बाद श्री जगन्नाथ, भैया बलभद्र, बहन सुभद्रा और सुदर्शन महाराज के जन्मदिन एकत्र आ रहे हैं, जिस दिन को स्नान पूर्णिमा कहा जाता है।
देव स्नान पूर्णिमा श्री जगन्नाथ जी का जन्मदिन। ये दिन सिर्फ पूरी ही नहीं संपूर्ण ओडिशा इस त्योहार को मनाता है। और यहाँ पे प्रभु जगन्नाथ जी अभी स्नान मंडप पे आ चुके हैं। आज है स्नान पूर्णिमा, आज के दिन प्रभु उनके भैया श्रद्धालुओं के सामने नहाने वाले। रथ यात्रा के व्यतीत अगर प्रभु मंदिर से बाहर आते हैं तो वो सिर्फ स्नान पूर्णिमा के लिए। जय जगन्नाथ। आज है स्नानोत्सव और हम आए हैं जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। और यहाँ पे भव्य दर्शन है श्री प्रभु जगन्नाथ की। और प्रभु के सिर्फ एक झलक देखने के लिए पुरी में उस दिन लाखों के तादाद में भीड़ आए हुए होते हैं। कहते हैं कि द्वापर में जैसे श्री कृष्ण गोपियों के नहाते समय वस्त्र हरण कर लिए थे, उनके प्रकोप से रक्षा पाने के लिए वह हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के सामने स्नान यात्रा का पालन करते हैं। इस दिन प्रभु अपने भाई बहन और सुदर्शन जी के साथ 108 स्वर्ण कलश सुगंधित जल से नहाते हैं। प्रभु जगन्नाथ जी अभी स्नान मंडप पे आके पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं। इस जमाने में बहुत सारे लोगों का पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा वीक होता है, पर यहाँ पूरी जगन्नाथ धाम पे लाखों लोग हैं और यहाँ बस एक ही स्पीकिंग है, जय जगन्नाथ। प्रभु पहुंडी होके स्नान मंडप पे पहुंचने के बाद जब स्नान कार्य शुरू करते हैं तब सिर्फ पुजारी ही नहीं देवराज इंद्र मध्य इस शुभ अवसर का फायदा उठाते हैं और अपने जल से प्रभु को नहाने में मदद करते हैं। स्नान उत्सव के संपन्न होने के साथ प्रभु विघ्न विनाशक गजानन का वेश धारण करते हैं। सारे विधियों के संपन्न होने के साथ माना जाता है कि इतने जल से नहाने के वजह से प्रभु को बुखार हो जाता है और 15 दिनों के लिए दर्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है और इस 15 दिन के समय को अणसर कहा जाता है। भले ही प्रभु अभी अणसर में है पर जगन्नाथ जी है तो कृष्ण के अवतार ही, वही नटखट मुरलीधारी। अगर पुरी में 15 दिन खान पान कुछ नहीं कर पाए तो कैसे रहेंगे इतने दिन बिना भोजन के। तो शास्त्रानुसार माना जाता है कि अणसर पल के समय प्रभु जगन्नाथ पुरी धाम छोड़ के अल्लारनाथ चले जाते हैं गरम गरम खीर भोग खाने के लिए। प्रभु के दर्शन पाने के लिए यही 15 दिन अल्लारनाथ में भक्तों की खूब भीड़ मचती है, पर इस बीच पुरी जगन्नाथ धाम अपने आप को सुनहरे भेष धारण करने में लग जाता है ताकि जब प्रभु बुखार से ठीक होकर बाहर आए तब चतुर पार्श्वों की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाए। इस समय रथ गढ़न के कार्य से लेकर भिन्न भिन्न कार्य से पुरी में सभी वो काम किए जाते हैं जिससे विशाल रथ यात्रा के समय श्रद्धालुओं को उनके प्रभु के दिव्य मिलन में कोई बाधा ना आए। जो हम पहले दिन आए थे उस दिन रथ का कोई भी पोर्शन नहीं बना था, बस जो उसके पहिए थे वो बनाए जा रहे थे, पर अभी तीनों रथ के बहुत ज्यादा पोर्शन काम हो चुके हैं। यहाँ पे एक रथ है, यहाँ पे दूसरा और यह है तीसरा रथ। रथ यात्रा मेरे जीवन का पहला अनुभव। रात के 3 बजे से नहा धोकर अपने प्रभु के दर्शन के लिए निकल पड़ता हूं मैं जगन्नाथ धाम पुरी। सूर्योदय से पहले पहुंच चुका था मैं अपने मंजिल जगन्नाथ धाम पुरी पे। नजर जब प्रभु के मंदिर पे पड़ा तो देखा कि प्रभु अभी तक उठे नहीं थे। इतने में ही चारों तरफ जब नजर जाता है तो देखता हूँ कि हर तरफ श्रद्धालु अपने मन में प्रभु के गुण गा रहे होते हैं। कोई खुशी से झूम रहा होता है तो कोई मृदंग के ताल से ताल मिला के नाच रहे होते हैं। सभी को देख ये अनुभूत हो रहा था कि जैसे हर कोई पा लिया है अपने प्रभु जगन्नाथ। अपने मन में ही वो संतुष्टि चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। सुबह के 6 बजे भी नहीं थे कि पूरी धाम पे लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु के मौजूद हो चुके थे। समय बीत रहा था, मृदंग घंट ध्वनि और शंखनाद के साथ श्रद्धालु अपने प्रभु को नींद से जगा रहे थे और मानो कह रहे थे कि हे प्रभु एक बार बाहर तो आइए, देखिए आपके भक्तों के मन में आपको देखने के लिए उत्सुकता। पर तभी मुझे ज्ञात होता है कि इस साल तिथि अनुसार नेत्रोत्सव और गुंडीचा एक ही दिन में होने वाला है, तो आज प्रभु विलम्ब से मंदिर से बाहर आएंगे। ये जानने के बाद भी भक्तों के मन एक मुहूर्त के लिए भी ना कतराया। यहाँ स्थित सभी श्रद्धालु अपने वर्तमान काल में आनंद ले रहे होते हैं। ये देख सूर्य देव भी परीक्षा लेने आ गए और ग्रीष्मोत्ताप बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कई लोग सहन नहीं कर पाए पर ये काल बस किंचित समय के लिए था। अभी थोड़ी देर पहले सभी लोगों का यहाँ पे शिकायत था कि बहुत जोरों से धूप हो रहा है, धूप हो रहा है, और यहाँ पे देखो काले बादल आ गए। पहुंडी होके भैया बलभद्रा, बहन सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ रथ के अंदर जा रहे थे। पुष्प वर्षा के साथ सेवायत लोग प्रभु को रथ में आमंत्रित कर रहे थे। चारों तरफ के परिवेश मानो जगन्नाथ ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो रहा था। सभी की आंखें बस एक तरफ कि कैसे वो अपने स्वामी के एक सुंदर झलक को अपनी आँखों में कैद कर सके। कितने ज्यादा लोग हैं भाई,
अभी नहीं पता हम आगे जा पाएंगे कि नहीं। इतने सारे लोगों के बीच घुस घुस के रथ के पास जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, हमें नहीं पता हम कितने आगे तक जा पाएंगे, पर चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जगन्नाथ। और समय के साथ वो वक्त आ चुका था जिस घड़ी का विश्व बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रथ में प्रभु विराजमान हो चुके थे, रस्सी बन चुके थे, घंट और शंख ध्वनि से चारों तरफ गूंज रहा था। सारे भक्त बस एक आवाज की प्रतीक्षा में थे। हे भगवते, अरे चाकू मानस निया कर सिरे। इस दो दिन के महारथ यात्रा के बाद प्रभु श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक आके पहुंच चुके होते हैं और इसी के साथ विशाल रथ यात्रा विधि पूर्वक संपन्न होता है। और अब मैं अपने घर लौट तो रहा था, पर संग लेके जा रहा था कुछ ऐसी यादें जो मुझे जिंदगी भर तक याद रहेंगी। रिश्तों का एक ऐसा डोर जो सदियों से चली प्रथा को आज भी बांधे रखी है। संबंधों का एक ऐसा सागर जो हर साल लाखों लोगों को एक परिवार बना देता है। और जीवन का एक ऐसा सत्य जो हमेशा आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है।